the role of education, how we can you can say not solve, but how we can contribute to give some solution to this problem. I'll start with my famous, you can say, quotation. इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा और तू खाली हाथ आया था तू खाली हाथ जाएगा. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. और इस बात को समझते हुए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, दो बातें हैं, एक सावधानी और एक सेवा. सावधानी नहीं रखी तो हमने एग्जाम्पल कोविड में देख लिया, और अब हम सेवा भावना से इस मदर अर्थ की सेवा कैसे करें. आज हम विकास, डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की बात करते हैं तो उसमें उच्च शिक्षा का बड़ा योगदान है, लेकिन मैं कई बार कहता हूं उच्च शिक्षा तो हमने दे दी, क्या उत्तम शिक्षा भी हम देंगे जिसमें बताया जाए कि कैसे हमें जो मिला है उसको सहेजा जाए, कैसे धरती माँ को या एनवायरनमेंट को बचाया जाए. क्योंकि अगली आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, हम प्रकृति को, पृथ्वी को बिगाड़ने वालों में थे या बचाने वालों में. जब नहीं बचाया तो हमने उसका दुष्परिणाम कोविड में देख भी लिया. और बड़ी तरक्कियों की बात की मैं पहले बता रहा हूं, हम बहुत सारी चीजों को डेवलपमेंट मान बैठे थे, बहुत सारे पैमाने को हम डेवलपमेंट मान के बैठे थे. हम बहुत कहते थे बहुत देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने खासकर बहुत तरक्की की, और उन सारे मुल्कों को नाज था. मैंने उस टाइम पे कहा था कि सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे. वो कोरोना का दौर भी, मैं कई बार कोविड का दौर भी सोचता हूँ, वो जरूरी था. हम अपने आप को खुदा समझ बैठे थे, मतलब इंसान खुदा समझ बैठे. हम उससे कुछ सबक लें, क्योंकि कुदरत का कहर भी जरूरी था साहेब, वरना तो हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था. तो हमें एक टीचिंग लेसन सीख मिलती है. आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मनाने से ज्यादा इन चीजों को अपनाना होगा, और उससे भी आगे अपने रिश्तों को जताना होगा. उस रिश्ता जो हमारा धरती माँ के साथ, जो पृथ्वी के साथ है, जो पर्यावरण के साथ है, जो प्रकृति के साथ है. हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर चाहे वेद हो, उनमें प्रकृति को भी देवता कहा. तो उस देवता को हम किस तरह से अपमानित कर सकते हैं, उस देवता का किस तरह से हम तिरस्कार कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए. तो हमें जागना है, जगाना है इंसानियत को, मानवीयता को. क्योंकि गुल में सुगंध नहीं तो कुछ नहीं, और दिल में फुर्सत नहीं तो कुछ नहीं, हजारों जो गुण है तो क्या है, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं. तो कहने का तो हम मनुष्य हैं, धरती पुत्र हैं, लेकिन क्या वो धरती पुत्र सुपुत्र हैं, क्या उस धरती माँ के लिए कुछ कर पा रहे हैं. हमने पूरा का पूरा, जिसको हम मेटेरियलिस्टिक एज बोलते हैं, भोग का वातावरण बना दिया. जब भोग का वातावरण बना तभी रोग का वातावरण बना. तो इसलिए हमें रोग से बचने के लिए योग की जरूरत पड़ेगी. योग का मतलब जुड़ना पड़ेगा. यहाँ पे मैं वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, योग का मतलब हमें धरती से जुड़ना पड़ेगा. हमें पंच तत्व जो है हमारे, हम उन सब का विनाश करके उससे जुड़ना होगा. जरूरी है हम इस बात के, अगर धरती सच में माँ है तो माँ हमें क्या क्या देती है. और माँ का गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था, एक बार मैं पढ़ रहा था, उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, लेकिन मैं इसको धरती माँ से, पृथ्वी माँ से या पर्यावरण से जोड़ के देखता हूँ जो बड़ा, कि हम एक धरती में छोटा सा बीज डालते हैं और वो बीज से पौधा, फल, फ्रूट, छाया कितना कुछ देता है. तो गुलजार साहब ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि इतना सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा, इतना सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा. बीज बो दो जमीन में, एक पौधा, फल, फ्रूट, छाया, एक पौधा मिलेगा. Because earth doesn't need us, but we need the earth or mother earth. हम हर चीज के लिए प्लान बनाते हैं. ये ए प्लान है, ए प्लान फेल होगा तो मैं बी प्लान पे काम करूंगा. बट ध्यान रखना, आपके हर काम के लिए प्लान हो सकते हैं ए बी सी, बट वी हैव ओनली वन प्लैनेट अर्थ. थिंक अबाउट इट.
एवरी डे वी मस्ट थिंक अबाउट इट्स प्रोटेक्शन, इट्स प्रिजर्वेशन और इट्स सर्विस, हाउ वी कैन सर्व द मदर अर्थ। दो शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड, एक प्रकृति और एक नारी, दोनों को बचाना है। दोनों ही क्रिएट करती है, क्रिएशन दोनों से ही है, प्रकृति से और नारी से। लेकिन दुर्भाग्य की आज हमें दोनों को बचाने के लिए काम करना पड़ता है। तो लेट्स बी अ क्रिएटिव एंड गिव, यू कैन से बैक टू अवर क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? अर्थ। कैसे दे सकते हैं? बाय सर्विंग हिज क्रिएशन इन वन वे वी कैन डू, तभी हमारी सारी वेलनेस होगी। हम कई बार सोचते हैं हम तो खुद तो धनवान बन गए, लेकिन इस धारा को निर्धन कर दिया, तो धारा को भी धनवान बनाना होगा। धारा को धनवान बनाने का मतलब उसको हरा भरा करना होगा, क्योंकि जो हमारी माँ है, पृथ्वी हो या हमारे जन्म देने वाली, उसमें तीन गुण होते हैं, केयर, शेयर और लव। धरती माँ क्या करती है? केयर, निवास स्थान देती है, शेयर औषधि देती है, लव के रूप में फल फ्रूट्स और ये सारी चीजें देती है। तो अगर हम अपने आप को धरती माँ का पुत्र बोलते हैं, तो जब माता कुमाता नहीं तो पुत्र कुपुत्र कैसे हो सकते? पुत्र का मतलब दोनों है, मैं यह जेंडर से बेस नहीं है, लड़का लड़की दोनों की बात कर। हमने और अपने वैदिक लिटरेचर में पढ़ा भी है, हमने हर उसको देवी देवता माना, जल देवता। और हम जब छोटे छोटे थे, एक मुहावरा हम हिंदी में पढ़ते थे कि पानी को पैसे की तरह मत बहाओ, पानी को पैसे की तरह मत बहाओ। आज हमें इसको थोड़ा बदल के देखना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचाओ। 95 में मैं एक मुंबई में प्रोग्राम में बोल रहा था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मैं मजाक में कहा था, कैसे कहा था, लेकिन मेरे को वो बात अभी भी लगा। मैंने उस टाइम पे कहा था कि कुछ सालों बाद पानी बिकेगा, लोगों ने मेरी बात का मजाक में लिया। और 2000 के बाद आपने देखा, आप बिसलेरी बोतल और दूसरी बोतल, पानी सब जगह बिक रहा। फिर मैंने 2004 या 5 की बात है, किसी दूसरे प्रोग्राम में हैदराबाद में बोला था, मैंने कहा पानी हवा सब कुछ बिकेगा, और ये हवा बिकने का हमने कोविड में देखा भी। सब कुछ था लेकिन आप वो सांस नहीं ला पा। ये कब होता है? जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते। तो ये चर्चा का विषय होना चाहिए, ये चिंतन का विषय होना चाहिए। तो हम इस पे काम करें, और जिस तरह से और क्रांतियां आई है, इसी तरह से हरित क्रांति, पर्यावरण संरक्षण क्रांति, इसकी भी जरूरत। हम अपने आप को सक्रिय रूप से इसके लिए, अपने आप का मतलब है हम अपने माध्यम से, अपने स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिटी, उनके लोगों, क्योंकि टीचर का काम क्या है? सक्रियता, संघर्ष करना, समर्पित बनाना, सजग बनाना, सक्षम बनाना, स्पष्ट बनाना, संवेदनशील बनाना। वेद मंत्र में कई बार बोलता हूं ओम द्यो शांति, फिर हम शांति पाठ के लास्ट में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। एक दिन मैं सोच रहा था, मैं कहा तीन बार शांति क्यों बोलते, एक ही बार बहुत है। तब मेरे को लगा उस ऋषि ने जब लिखा होगा उसका कोई मतलब था। तीन बार शांति का मतलब है मेरी शांति, आपकी शांति और पूरे ब्रह्मांड की शांति। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम मेटेरियलिस्टिक एज में, जिसको हम मेटेरियलिस्टिक एज कहते हैं, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसमें हम भूल जाते हैं अपनी नीड्स को। इच्छाएं ठीक है, लेकिन लालच लोभ, हमें नीड तक तो ठीक है, मेरी जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब होता है वो ग्रीड बन जाता है। तो हमें नीड कल्चर की जरूरत है, ग्रीड कल्चर की जरूरत नहीं। और जब मैं एनवायरमेंट की बात करता हूं, वहां पे मैं कहता हूं नीड कल्चर से भी ज्यादा ग्रीन कल्चर की जरूरत है। लेकिन आज हमें क्या हो गया है, हम यूज एंड थ्रो कल्चर पे आ गए। प्लास्टिक की चीज यूज की और फेंक दिया, और देख रहे कितने बड़े बड़े पहाड़ बन गए प्लास्टिक। तो यूज एंड ग्रो की कल्चर नहीं, हमारे मुनि ने तो, ऋषि मुनियों ने तो कहा था यूज एंड ग्रो की कल्चर होनी चाहिए। हम आज इतना हमारा जो नकारात्मक चीजें हैं, हम ईगो ईगो रखते हैं। मैं कहता हूं ईगो नहीं रखनी, इको फ्रेंडली बनना है हमें भी और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी भी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है
कम से कम हम ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जैसा हमें प्रकृति से पृथ्वी से मिला कम से कम उस तरह का हम अगली पीढ़ी को दे पाए, उसको खराब ना करें। कई बार हम लोग इस पे गंगा स्नान, आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं, आज तो लोग गंगा ही बोल देते हैं। हम जब छोटे थे या हमारे पूर्वज जो थे, गंगा को माँ के बिना नहीं, तो वहां पे जाके देखते हैं हम गंगा पे बहुत सारे लोग हर हर गंगे हर हर गंगे ये नारा लगाते। मैंने कहा हर हर गंगे ठीक है, लेकिन एक नारा और आप ऐड कीजिए। भगत सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अपने हाथ उठाए हुए। यस प्लीज, भगत सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ममता मैडम, भगत सिंह जी ने हाथ किया है रेस। हेलो, मेरी आवाज आ भी रही है कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं? एनीबडी कैन कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? तो ये नहीं पता, मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो? भगत सिंह ने हाथ किया था। भगत सिंह का कोई सवाल है क्या? ये सवाल बाद में लेंगे हम लोग। सुमन भगत, यस मैम। सॉरी, भगत सिंह नहीं है, सुमन भगत मैडम। यस प्लीज मैम, कोई सवाल तो नहीं है ना? ओके, सवाल बाद में ले लेंगे अगर होगा तो। चलिए, हाँ मैं बात करता, हम गंगा पे जाते हैं, वहां पे एक नारा स्लोगन मैंने सुना, हर हर गंगे। मैंने कहा ठीक है हर हर गंगे, लेकिन एक नारा और इसमें ऐड कर दीजिए, हर्बल गंगे, हरित गंगे। तो हम किस तरह से इस धरा को हरा भरा बना सकते हैं, ये हमें सोचना है, समझाना है, समझना है और समझाना भी है अगली पीढ़ी। क्योंकि हमारा जन्म समाज में आग लगाने के लिए नहीं, बाग लगाने के लिए। दैट मीन्स कुछ पॉजिटिव हम कर सके, कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। दैट मीन्स नेगेटिविटी से दूर होके कैसे हम उसको बचा सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, और जब हम सपोर्ट करेंगे तभी हम सर्वाइव करेंगे, और जब सर्वाइव करेंगे तभी ग्रो करेंगे। क्योंकि आपने पॉजिटिव या पॉजिटिविटी के साथ, जिसको हम कहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना है, कि शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये कब आएंगे अच्छे? जब हम सबका प्रयास सामूहिक होगा, सबके लिए हमारा प्रयास सामूहिक होगा, तब शायद हम कहीं ना कहीं उस प्रेरणा को पा करके, और उस मैं कहूं मैडम ममता और रुकम सिंह जी, आपको मैं साधुवाद भी देता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम आप करवाते हैं, नहीं तो हम कई कई जो कोविड के बाद हौसला छोड़ देते। तो मैं आपके लिए कह रहा हूं कि खुली छतों पर घर के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों पर घर के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं में भी हाथ थामे हुए। तो आप कम से कम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। तो हम इनके प्रयासों से समझे प्रकृति को, पृथ्वी को, जो मिला है कम से कम उसको लौटा, जैसा हमें मिला है उसको ना खराब करें, अच्छा है उसको और अच्छा बनाएं। लेकिन हम प्राणी हैं, प्राणी में भी मानव है हम लोग, तो मानव का और पशु का यही फर्क होता है कि हम तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझें कि जो हमें मनुष्य जीवन में मिला है वो पशुओं से अलग है। तो इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है, और कुछ मैं कहूं कि कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हो, कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, वरना तो लाखों हजारों आते हैं सिर्फ खाने वाले। तो हमारा लेना मकसद नहीं है पृथ्वी से, धरती से, उसको देना भी मकसद होना चाहिए। और जब भी हम ये कब करेंगे, जब अपने जीवन में और अपनी जीविका में संतुलन बनाए, जीवन में और जीविका में। इसका मतलब क्या है? हम अपनी जो लालच है, ग्रीड है, उसको कम करेंगे, उसको बंद करेंगे, इतना प्रकृति को हम खराब कर चुके हैं। तो धरती माँ के प्रति, जैसे मैं कहता हूं राष्ट्र के प्रति, धरती माँ के प्रति हमारा फर्ज भी बनता है।
उस आदमी का मर जाना बेहतर है जो खुद्दार नहीं, और धरती जले, धरती माँ जले और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा गद्दार। धरती माँ के साथ, अपनी माँ के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं, इतना नुकसान करके। फोटो हम कई बार पौधा लगाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन फोटो खिंचवाए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन उस फोटो से भी आगे कुछ ना कुछ काम करें। फोटो कैसे, वो आपकी उस छोटे पौधे के साथ तो फोटो है, लेकिन बड़ा पौधे के साथ फोटो खिंचवा पाए तो वो जरूरी है। और क्योंकि सियासत का देखिए, कोई सियासत पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि सियासत तो क्या करती है, हम लोग उस पे नहीं जा रहे। तो पेड़ जब भी हम लगाएं, दिखावे के लिए नहीं लगाना, पेड़ को लगाना भी है और पेड़ को बढ़ाना भी है। आगे मैं बात करूंगा बहाने हम लगाते हैं, तो पेड़ को लगाना भी है और पेड़ को बढ़ाना भी, क्योंकि हम सबका जन्म इस समाज में, ये नहीं कि कोई मर गया और उसको शमशान में जाके, मुर्दे फूकने के लिए नहीं हुआ। हमारी जो टीचर कम्युनिटी है, टीचिंग कम्युनिटी के हम लोग हैं, तो हमारा जन्म तो जो समाज मुर्दा पड़ चुका है उसमें प्राण फूकने के लिए होगा। तो हम दूसरे को ब्लेम ना करके अपने आप को, अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे, अवेक और अलर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 2003 में एक डिसीजन आया था, इस पर्यावरण को एक विषय के रूप में रखा जाए। वो विषय रख भी दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जरूरी है सुप्रीम एफर्ट्स। हमारे एफर्ट सुप्रीम होने चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। याद तभी आता है पर्यावरण जब भावना वाल कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। किसी और को भी साथ प्रॉब्लम है या भावना मैडम के साथ ही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है, यस और नो? हेलो, भावना मैडम को छोड़ के कोई कंफर्म करेगा आवाज आ रही है नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, पता नहीं भावना मैडम को कोई मैसेज था, आवाज आवाज नहीं आ रही, तो उनके साथ प्रॉब्लम है कोई। तो हमने देखा, ओके, लाचारी में हमने ऑक्सीजन के लिए कितना भटके। हमारे पास पैसे भी थे, सब कुछ था, लेकिन लाचारी इतनी हुई क्योंकि पर्यावरण को इतना खराब कर लिया। और कुछ उसके लिए मैंने फिर कहा था कि फिर भी नहीं बिक पाए इस बात का रोना है, फिर भी नहीं बिक पाए इस बात का रोना है, एक हाथ में चांदी है, एक हाथ में सोना है। सब कुछ था, मतलब पैसा था, ले नहीं पाए ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये दौर जहां मुझे इस मोड़ पे ले आया है, जिस बात पे हंसता हूं, जिस बात पे रोना है, हमने नहीं समझा उस प्रकृति के मैसेज को, हमने दोहन किया। तो इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं, इसके आयोजन का मतलब ये होता है, सिर्फ ये सेमिनार या वर्कशॉप या वेबिनार तक ना रहे, वो जीवन में भी आए और हम पृथ्वी से संपर्क ही नहीं, संबंध भी बनाए। संपर्क और संबंध में फर्क होता है। संपर्क क्या है, जो संपर्क तो क्या है, मान लीजिए उसको हम कहते हैं तेल और पानी को मिला दो, वो आपको अलग अलग नजर आएगा। और संबंध क्या है, दूध और पानी को, दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, आप अलग नहीं कर सकते। जो माँ बेटे का संबंध है, इसी तरह से हमारा पृथ्वी के साथ, धरती के साथ, पर्यावरण के साथ होना चाहिए। तो एक उम्मीद जगाई है ये अल्बर्ट कॉलेज ने जो, और उम्मीद क्या है, हम पॉजिटिव उसके साथ। फिर मैं कहता हूं कि माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन इतनी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। सुराही कुछ नहीं है, जो आपके एफर्ट्स है बड़ा। तो हम फ्यूचर के लिए काम करें, कल्चर के लिए काम करें, नेचर के लिए काम करें। माता भूमि पुत्रो हम, हमको बोलते थे श्लोक में, लेकिन उस माता के लिए करते क्या है। 1983 में यूएन का एक कमीशन बना, कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की आप बात करने लगे, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसका रिपोर्ट का नाम था, बडलैंड कमीशन। ये 1983 में आया, उसके बाद हमने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करनी शुरू की। लेकिन मैं कहता हूं मेरा ऋषि तो कितने हजारों साल पहले कहा था उसने, तो तेन तक तेन भुंजे, ईशो उपनिषद में, त्याग पूर्वक उपभोग। दिक्कत ये है, जब हम कुछ वेस्ट से होकर के आता है, उसको जल्दी मान लेते हैं वेस्ट से जो हो के आता है।
हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। ईशोक निषद में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, तेन तक तेन भुंजे, त्याग पूर्वक उपभोग। तो हम हमारी प्रकृति में, हमारी संस्कृति में ये सब कुछ है लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं है, भुलाना नहीं है, उसको हमने सोचना है। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, और मेरा ऋषि अभी मैं बात कर रहा था कि ओम शांति शांति शांति, तो सारे ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, सारे प्राणी मात्र की बात करते हैं, हम अकेले मनुष्य की बात नहीं करते। तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। और जो जिसको हमने कहा इस प्रक्रिया में धरती माँ का हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि वो जन्म देने के साथ साथ जो हमारी माँ है उसके साथ साथ धरती माँ भी है, जो हमारा पालन पोषण आज से नहीं आदिकाल से निरंतर लगी हुई। लेकिन वो पुत्र कहीं ना कहीं आज निष्ठुर व्यवहार करने लग गए हैं। हमें उसके बारे में सोचना होगा, हमें उसके बारे में समझना होगा, संवेदनशीलता पैदा करनी होगी। और जब तक संवेदनशीलता नहीं आएगी, हम अपने आप को, अपने राष्ट्र को कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे, कैसे समृद्ध बनाएंगे? क्योंकि जब स्वस्थ नहीं होगा तो श्रेष्ठ भी नहीं होगा, समृद्ध भी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य किसके साथ जुड़ा है? प्रकृति के साथ जुड़ा हो। तो कई बार बोलते हैं जल शक्ति, मैंने कहा जल शक्ति नहीं, जन शक्ति ज्यादा जुड़ा। हमें गंगा ने दिखा दिया है कि आप अगर गंगा से किनारा करोगे तो गंगा कैसे किनारा करे, ये आपने देख भी लिया है। रीजनरेट कर लिया था नदियों ने जब कोविड में सब कुछ बंद था। दैट मीन्स हम इतना विनाश करते हैं जिससे सारी दिक्कतें आती। तो जन जागरण के साथ जल जागरण करना। जल होगा तो जीवन होगा, जल होगा तो कल होगा। तो अब कोई संकल्प नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। अब हमें संकल्प करना होगा कि हम जल बचाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। और अभी रक्षाबंधन आने वाला है, शायद बहनों के लिए मैं कह रहा हूं, रक्षाबंधन मनाइए लेकिन उसके साथ वृक्षाबंधन भी बने, जो आपके प्राणों की रक्षा करेगा। वृक्ष भी हम लगाए तो जरूरी है। हम आज इस आपाधापी में बेटर वे के चक्कर में अपनी लाइफ को बिटर ना बनाए। हम बिकॉज लाइफ इज नॉट टू हैव मोर बट बी मोर। बी मोर मीन्स केयर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दे। बिकॉज गिविंग इज लिविंग। कमाने की बात नहीं, काम आने की बात करनी चाहिए हमें प्रकृति से, प्रवृत्ति से। तो हम किस तरह से काम आ सकते हैं, क्योंकि हम कमाने की बात करते हैं। हाउ वी कैन कम टूगेदर, वर्क टूगेदर एंड मेक दिस प्लेनेट एज अ लिविंग प्लेनेट। तो कैसे हम वो कर सकते हैं, जब हम अपना बेस्ट देंगे। अब बेस्ट क्या है मेरा? BEST। अपने बी मीन्स बिहेवियर में चेंज लाना है, ई मीन्स अगर बिहेवियर में चेंज आएगा एनवायरमेंट में भी चेंज आएगा। ये कब आएगा? जब एस पे काम करेंगे, सेंसिटिविटी के साथ। और टी मीन्स क्या है? ट्री, मोर ट्री, ट्री एंड मोर ट्री। तो बेस्ट अप्रोच के साथ हम काम करें, लेकिन उसके साथ साथ जोश भी होना चाहिए। जोश क्या है मेरा? जे मीन्स जिम्मेदार बनना है, ओ मीन्स ऊर्जावान बनना, एस मीन्स समझदारी से काम लेना, एच मीन्स होश के साथ काम करना है। बिकॉज टीचर एज अ लीडर, लीडर का मतलब क्या है? दोस हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। पहले जानिए, खुद करिए, फिर दूसरों को रास्ता दिखाइए। और तीन आई का मंत्र मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तीन आई क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, फॉर अ लीडर। ये प्रोग्राम होगा दैट वॉज ओनली इंफॉर्मेशन बाय द ममता मैडम। इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ सेकेंड आई आपको चाहिएगा, दैट इज इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप थर्ड आई जोड़ देंगे, दैट इज द मेन मकसद ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो जीवन भी चलाना है, जीविका भी कमाना है, लेकिन इससे पहले हमें अपनी माँ को, धरती माँ को, प्रकृति को बचाना है। पैसे रूपी संपत्ति तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन पेड़ रूपी संपत्ति बढ़े, हरियाली रूपी संपत्ति भी बढ़े, सब बड़े। क्योंकि कोरोना में हमने देखा था, हम सब ने अनुभव किया था, आप लोगों ने, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पढ़ाई, दवाई,
सफाई, फिर मैंने कहा पढ़ाई दवाई सफाई तो ठीक है, लेकिन एक चीज और इसमें ऐड कर दीजिए, पेड़ रोपाई, दैट मीन्स हरा भरा कैसे हो, क्योंकि धरती में हर एक, जो हम कहते हैं धरती देने वाली, तो उस देने वाली को हम भी तो कुछ देना सीखे, दे भी नहीं तो कम से कम उसको सहेज कर तो रख सकते हैं ना। तो हम अगर एज अ टीचर, टीचर एक अलख जगा सकता है, उठो साथियों हमें देश में यह अलख जगाना है, नेक इरादे दिल में रखकर देश की धरा को हरा भरा बनाना है, संघर्ष के उत्कर्ष का उल्लास होना चाहिए, क्या नहीं कर सकते, हमें यह विश्वास होना चाहिए। तो एज अ टीचर हम उन बच्चों में, उन स्टूडेंट्स में, उस युवा पीढ़ी में वो विश्वास पैदा करें, वो विश्वास जो कहीं ना कहीं छूट गया है, क्योंकि जो निकल गया उस पर मत चिल्लाए, जो बचा है उसको ही बचाए, हम प्रण ले, जो निकल गया ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको तो कम से कम हम बचाए, क्योंकि जो आपस में अगर हम कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा, तब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस शिक्षा द्वारा, इस एजुकेशन द्वारा, इस पर्यावरण के लिए। और अगर हम नहीं संभले, कह लीजिए, तो हमें जिस तरह से अभी पीछे हम सब लोगों ने अनुभव किया, इतना बड़ा त्रासदी हम सब ने अनुभव किए एक तरह से, तो वो जब दिक्कत आती है, जब हम उसके बारे में नहीं सोचते। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ठीक है, 2015 के बाद जो एमडीजी थे उसको एसडीजी बना दिया, तो एसडीजी क्या है बेसिकली, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप कहो, ये एक तरह से टू डू लिस्ट है, किसके लिए, प्लेनेट के लिए, कि हमें इस प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए क्या करना है। अगर उसको मोर और लेस आप देखोगे तो दैट इज अ टू डू लिस्ट फॉर द प्लेनेट। और उस एसडीजी गोल है वो क्या है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हाउ वी कैन मीट द नीड ऑफ द करंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उसमें आपको पता है 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स है और 231 के करीब इंडिकेटर्स हैं, तो वो पूरा, लेकिन उसको मैं अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसमें 5P का मंत्र है बेसिकली, पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। ये क्या है 5Ps, हमें पीपल में सबको मिलना हो, किसके लिए, प्लेनेट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, और वो जो प्रोटेक्शन होगी दैट विल गिव अस प्रोस्पेरिटी थ्रू पीस, और जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्टनरशिप, मिलकर के काम करना हो। और अगर मैं इसके, क्योंकि एसडीजी पर हम बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे, अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां केपटाउन में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया, तो जो फर्स्ट 6 SDG है बेसिकली वो क्या है, 6, 17 है टोटली, तो जो फर्स्ट एसडीजी है वो आपके अनअचीवेबल एमडीजी है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जो, वो 6 अनअचीवेबल है, नेक्स्ट जो 6 है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है 7 से 12, और नेक्स्ट जो 3 है वो डायरेक्टली आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है 13 से लेकर 15, और जो लास्ट के 2 है वो बेसिकली क्या है, मींस ऑफ गवर्नेंस। इंडिकेटर्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो एजेंडा 2030 है उसमें यही तो है कि हम इन टारगेट्स को कैसे अचीव करें। सपोज करिए हाउसिंग फॉर ऑल है, अगर नहीं अचीव होगा तो क्या होगा, अगर नहीं अचीव होगा तो क्या होगा, ये नहीं कि इंडिया में अचीव नहीं होगा तो दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगा, सारी दुनिया में अफेक्ट करे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हाँ, स्वीडन और साउथ कोरिया अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कई टारगेट्स में पीछे हैं लेकिन स्वीडन और जो कोरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। और उसके साथ साथ ये बनते बेसिक से इंटरनेशनल लेवल पे है लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लोकल लेवल पे हो, और वो लोकल लेवल पे कैसे होगी, इसमें रोल ऑफ टीचर है कोलैबोरेशन के लिए, सबके एफर्ट्स के लिए, सबका एफर्ट्स करना होगा। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, काम वाली को हम कह दें नल बंद करके जाया करो, लेकिन वो फिर भी नहीं करती, मैं कहता हूं उसको 100 रुपए अगर हम बढ़ा देंगे तो शायद उसका ध्यान रखे, तो घर का भी पानी बचाया और प्रकृति का भी हमने पानी बचाया। और ये तो छोटे छोटे जो बातें हम कर रहे हैं, लेकिन आज दिक्कत ये है, प्रोफेसर उत्तम सिंह जी सहमत होंगे इस बात से,
चार्वाक फिलोसफी है वो, घृतम पिबत्वा ऋणम कृत्वा शतम जीवित्वा, मतलब संस्कृत मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम घी पिए चाहे उसके लिए कर्ज लेना पड़े 100 साल जी, ऐसा कोई उसका मतलब, खाओ पियो रैश करो मित्रों, सिंपली अगर मैं कहूं। लेकिन ये आज हम उसको फॉलो तो कर रहे हैं, दिस इज यू कैन से क्रेडिट कार्ड कल्चर। लेकिन हमारा उपनिषद जो मैंने कहा था ईशोपनिषद, वो क्या कहते हैं, तेन तक तेन भुंजे, त्याग पूर्वक उपभोग ताकि अगली पीढ़ी को भी मिल पाए। कई बार हम बोलते हैं अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी नहीं, पहले हमें ही सोचना होगा, हमें सेंसिटाइज करना होगा लोग ग्लोबल इश्यूज के बारे में, चेंज करनी होगी पॉलिटिकल विल, तब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता को, तब हम कह सकते हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ इस धरा के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस माँ के लिए। और नहीं तो अदरवाइज बातें हम कितनी भी करते रहें, अगर उन पे काम नहीं करेंगे तो SDGs बेसिकली आवर माइंडसेट, जो हम डे टू डे, मैं उसको अगर सिंपल शब्दों में कहूँ, डे टू डे हमारे बिहेवियर में कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग को कैसे छोड़ सकते हैं, नहाते वक्त ब्रश करते वक्त कितना पानी वेस्ट करते हैं उसको कम कैसे कर सकते हैं, शावर से बहुत नहाते हम बहने देते हैं पानी को, लॉजिकल सोच। मैं कहता हूँ फ्यूचर जनरेशन की बात छोड़ दीजिए, आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। ई व्हीकल हम एडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा उन बैटरीज का क्या होगा जो बेकार हो जाए, बैटरी 2-4 साल बाद जो बाहर फेंक दी जाती है, कहाँ जाती है, रिसाइकिल के लिए इंडिया में कितने प्लांट्स हैं उसके, लिथियम आपको पता है वाटर के साथ मिलके हाईली रिएक्टिव बन जाता है, तो 5 साल बाद इन बैटरीज का क्या करेंगे। ग्लास बिल्डिंग्स कई जगह पे हमने देखी, ग्लास बिल्डिंग बना दी, लेकिन हमारा जो कंट्री है वो तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ग्लास बिल्डिंग जहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो वहां तो ठीक है, ठंड वाले में तो हमारे तो सनलाइट बाहर ही नहीं जाती, सोचना होगा। मोबाइल चार्जर लगा के छोड़ देते हैं, एसी को 18-19 पे चलाते हैं, प्रायोरिटीज सोचनी हो, अलमारी में कपड़े इतने भर दिए जरूरत नहीं, शो ऑफ जूते सब चप्पल इतने भर दिए, एक बुक है बड़ी अच्छी मैरी कोंडो की बुक है, व्हाट टू डिस्कार्ड व्हाट टू एक्सेप्ट, मतलब टाइटल एग्जैक्ट नहीं है, व्हाट टू डिस्कार्ड और ऐसा कि क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं, तो वो बताती कैसे हम अपने घरों से, जैपनीज राइटर है, शी इज जैपनीज राइटर, तो बताती बड़ा अच्छा कि क्या क्या चीजों को डिस्कार्ड, मतलब कितना कम में हम रह सकते हैं, मेन जो मैसेज है वो। लेकिन हमने आज वो मार्केट स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वर्ल्ड ओवर वो समझ नहीं आती, जो इंडिया में स्क्रैप होता है उससे चाइना गुड़िया बना के बच्चों के रिलीजियस हमारे लिए सिंबल बना के भेजते हैं और हम यूज करते हैं, तो पूरे का चूरा पूरा ये जो मार्केटिंग है इसी तरह से चलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते डेली लाइफ में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या हमें उसकी जरूरत है। आज यूथ के पास फ्यूचर में बाइंग पावर होगी, आपके माँ बाप के पास शायद लिमिटेड थी, लेकिन आज खर्च ही बहुत कर रहे हैं, आप जो अर्न करोगे उसको अगर खर्च करते रहोगे तो इसी तरह से थॉट प्रोसेस बन जाएगा, उससे क्या होगा, वेस्ट होगा। तो हम ग्रीड नहीं सीड लगाएं, बल्कि लॉजिकल सोचे, मेरा कहने का मतलब क्या है, अपने आप को अलाइन करें, तभी हम समुन्दर को, पहाड़ को, वन को, जंगल को, जमीन को, इनको बचा पाए, जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी, जीवन शैली को हमें ठीक करना पड़ेगा, तब हम कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का मकसद जो, क्या हम सिर्फ यही मान ले डेवलपमेंट का मतलब रोड है, टावर है, बिल्डिंग है। अभी पीछे NCR वाले बहुत कोसते हैं सरकार को, बाढ़ आती है पानी भर जाता है, जब मैनेजमेंट नहीं है कंप्लेंट करते हैं, लेकिन आपने और हमने कभी सोचा हम क्या कर रहे हैं, मैं उस प्लास्टिक की पॉलिथीन को फेंक देता हूँ नाली में, वो फिर चौक हो जाता है, तो अपने लेवल पे हम कितना कर पा रहे हैं, तो हमें सोचना होगा हम किस तरह से, हम गाड़ी धोने पे कितना वाटर मतलब पानी खर्च करता है, और धोते भी ऐसे शायद ही आगे के लिए तो गंदी होगी नहीं शायद, तो हम कम से कम इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट्स करें। कई बार बहाना लगाते पेड़ लगाने के लिए, तो जी फ्लैट सिस्टम है इसमें तो कहाँ है, रेलवे ट्रैक पूरा खाली पड़ा है, रोड खाली पड़े हैं, नहर के किनारे खाली पड़ा है, पार्क खाली पड़े हैं, लगाने वाले के लिए इच्छा शक्ति जरूरी, तो पेड़ कहाँ लगाएं इसके तो बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन लगाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसको बढ़ाने की भी, खासकर
ऑक्सीजन जो है किसी भी फैक्ट्री में, अपार्टमेंट में नहीं बनेगी, सड़क पे नहीं बनेगी, जो आप सड़क किनारे, स्कूल में, खेत में पेड़ लगाएंगे उससे बनेगी। फोन पे ट्वीट करके गवर्नमेंट बेकार है, उससे नहीं होगा। मैं छोटी छोटी आदतें जो आपको बता रहा था मैं कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। पानी बचा सकते हैं, मेरे घर में मेहमान आता है मैं आधा गिलास पानी का देता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर दूसरा दे देता हूँ आधा। कई बार क्या होता है मैंने दो घूंट पी और छेड़ छोड़ दिया और फिर हम उसको सिंक में फेंक दें। तो मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। आरओ का पानी हम उसको फेंकते हैं तकरीबन ज्यादातर, उसको हम क्यों ना पेड़ पौधे में डाले, क्यों ना पोछा लगाने के लिए यूज करें, वाटर हार्वेस्टिंग होगी ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे अगर हम गौर करेंगे तो मैं कह सकता हूँ हमारी लाइफ भी, हमारे आने वाली पीढ़ी की लाइफ भी अच्छी बनेगी। और जब तक हम इस, लेकिन दिक्कत ये है मैडम ममता जी, इस देश में पहले पेज पे गुटखे का या सिगरेट का इतने बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं और सड़कों पे हम लोग स्पिटिंग करते हैं, तो कैसे उस मीडिया का भी एक रोल है, वो भी उनको भी समझना होगा। हम सबको साथ लेना होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, एनजीओज हो, सबको साथ लेके सबके साथ के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समस्या छोटी नहीं है। और कई बार हम कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम में जाते हो, तो कम्युनिटी नॉट ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बने हमारे, उससे हम रिश्ता बनाए, रिश्ता बनेगा तभी रास्ता निकलेगा। और एक और एक दो नहीं होते जब हम सोशल एक्टिविटीज करते, एक और दो, एक और एक दो नहीं, इससे ज्यादा होते हैं। नेटवर्किंग हम बढ़ाए, कहने का मतलब मेरा ये। और आपको, आपके काम को, आपके बच्चों के काम को देख करके गांव वाले बोले, कई बार तो ऐसा होता है ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम करते हैं उसमें कहाँ आ गए बच्चे, अब फिर आगे रैली निकाले। लेकिन इस तरह का काम हम गाँव के लिए कुछ ना कुछ कर पाए, जहाँ गाँव वाले दोबारा से बोले कि तेरी कदमों की आहट से हम दूर से जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम देख कर पहचान लेते, तो आपकी वेट करें, इस तरह से हम कोई काम करें। जाओ करो का मंत्र ना दे, आओ करें, मतलब मिल करके करें, हम गांव के साथ मिल करके करें। समय में से ही समय निकालना होगा इन एक्टिविटीज के लिए, समय अलग से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि समय तो खूबसूरत नौजवान को भी नहीं मिलता, सूरज मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता। और बीज बो दो, फूल खिल के चमन को निखार देंगे, और दिशा दे दो जो आपके पास युवा पढ़ रहे हैं, दिशा दे दो इन युवाओं को मिल करके देश को संवार। तो इनको हमें एजुकेशन के माध्यम से दिशा देनी होगी, तब शायद हम इस प्रोग्राम का जो मकसद सोचा हुआ उस पे पूरा कर पाएंगे। विद दीज वर्ड्स मैं पूरे पुलिस परिवार का, स्पेशली प्रोफेसर उकम सिंह जी का, शीतल जी का और मैडम ममता का आभारी हूँ। और अब आपका कोई सवाल है, सुझाव है, जोड़ना है, घटाना है, पूछना है, बताना है, 5 मिनट हमारे पास है, हम चर्चा कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो बातें मैंने रखनी थी मैं रख सकता हूँ। अब कोई आपका सवाल है, सुझाव है? जी क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपका सजेशन भी हो सकता है, कुछ आप जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने जो कही बातें मैंने अपने व्यू से कही हैं, वो गलत ठीक हो सकती हैं, ऐसा नहीं है मैं कि सारी चीजें ठीक कह रहा हूँ। दो तरह से सवाल नहीं पूछते सर, या तो कुछ समझ नहीं आया इसलिए नहीं पूछते, या सारा समझ में आ गया इसलिए नहीं पूछते, तो कौन सी बात मान के जाऊं? फिर भी कोई सवाल है, क्योंकि मैं अभी क्लास है मेरी भी, तो फिर भी कोई सवाल है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, सुझाव भी हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।